सच्चाई दिखा रहे एक पत्रकार पर टूट पड़े भगवाधारी। 20 सड़क की बदसलू की हुल्लम खुल्ला देने लगे धमकी। बीजेपी शासित राज्य में खुलेआम गुंडागर्दी करने सड़क पर उतरे भगवाधारी। पत्रकार से छीनने लगे कैमरा, भागने की दी धमकी। मुसलमानों की बस्ती में टूट पड़ा गुंडों का झुंड। पहले नाम पूछा फिर धर्म पूछा, पीटने पर उतारू हो गए भगवाधारी। चलते हुए हरियाणा, सुलगते हुए हरियाणा, धधकते हुए हरियाणा के कर्मवीर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे। तेज आवाज में बजाया जा रहा है गाना, सत्ता से मिले आशीर्वाद की घूम घूम कर की जा रही है नुमाइश कि देखो लुच्चई में हम अव्वल आए। बंद हरियाणा के नूह में हुआ बवाल तो देखते ही देखते हरियाणा के अलग अलग हिस्से चल उठे थे। कभी पलवल, कभी सोनीपत, तो कभी गुरुग्राम। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा कि कैसे इन लंपटों के गिरेवां पर हाथ डाला जाए, कैसे इनको जेल में ठूसा जाएगा जिन्होंने एक पूरे राज्य की शांति छीन ली। मुस्लिम बस्ती पर हुआ हमला तो करीब 200 परिवार पलायन कर गए। लेकिन उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को दिखाने तक पर पाबंदी है। ये पाबंदी हरियाणा पुलिस ने नहीं लगाई है, बल्कि सरकारी आशीर्वाद के तले शहर भर में घूम रहे लुच्चों ने लगाई है। जहाँ दिखते हैं पत्रकार, उनको घेर लिया जाता है, धर्म पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, विराका के संस्कारों को उड़ेल दिया जाता है। ये लोग बहुत परेशान है, हमें पता है। फिर वे परेशान ना हमारा, हमें पता सब कुछ। कहानी आपको पता क्या कहानी हो रही थी? ठीक है, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। चलो कैमरा बंद कर। पत्रकार अनमोल प्रीतम गुरुग्राम की उसी बस्ती में पहुंचे थे जहां बजरंग दल की धमकी की वजह से 200 परिवारों ने अपना अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही अनमोल प्रीतम नाम के पत्रकार ने उनका दर्द दिखाना शुरू किया, मवालियों की फौज टूट पड़ी। पीछे बैठा एक लुच्चा पत्रकार से कैमरा छीन रहा था, बाकी के दोनों मवाली सिखा रहे थे लुच्चई का कानून कि मरते हुए मुसलमान, पिटते हुए मुसलमान, गिड़गिड़ाते हुए मुसलमानों की पीड़ा नहीं दिखानी। ये लंपटों का आदेश था। लहजा बता रहा था कि अगर पत्रकार अनमोल प्रीतम विरोध करते तो ये अपनी गुंडई दिखाने से बाज नहीं आते। ये बहुत परेशान है, ये लोग बहुत परेशान है, हमें पता है। फिर वे परेशान ना हमारा, हमें पता सब कुछ। कहानी आपको पता क्या कहानी हो रही थी? ठीक है, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। चलो कैमरा बंद कर। बोलने के तरीके ने बता दिया था कि आशीर्वाद आका का मिला हुआ है कि जब चाहे, जिसे चाहे, जहाँ चाहे कूट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना कैमरे के सामने खड़े होकर गुंडई की नुमाइश करने की हिम्मत लुच्चों में नहीं होती। खैर मुबारक हो, हरियाणा में जारी रामराज की बदौलत एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों की तादाद में मोनू मानेसर मिल जाएंगे जो घूम घूम कर अब लुच्चई कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा। हिंदू मुसलमान है।